हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग दिखाने वाला हूं, कोई बाजार नहीं दिखाने वाला हूं, मैं अपना एक पर्सनल काम आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो मैं करता हूं नेम प्लेट का। कई सारे मेरे सब्सक्राइबर उससे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मुझसे नेम प्लेट बनवाते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं स्टील की नेम प्लेट, कैसे हम लोग स्टील की नेम प्लेट को प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा बहुत प्रोसेस दिखा पाऊंगा, मैं एक्चुअली लेट हो गया हूँ यहाँ आने में और उन्होंने आधा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। मैंने एक लड़का रखा हुआ है जो काम करता है मेरे साथ में, मेरा भाई जैसा है वो बिल्कुल। मैं उससे आपको मिलवाऊंगा और आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे हम आपके लिए नेम प्लेट तैयार करते हैं। और अगर आप नेम प्लेट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अपना नंबर भी आपको दे दूंगा, तो आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हैं। आपके पास होम डिलीवरी होगी, एक पीस दो पीस जितने मर्जी आपको पीस चाहिए उसके हम होम डिलीवरी आपके घर तक करवाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे रहता है। ये देखिए, ये जो लड़का है ये विनाइल की कटिंग कर रहा है। पहले मैं ऐसे डिजाइनिंग करता हूँ, आप ये देख सकते हैं। अभी आज के कुछ ऑर्डर है हमारे, ऐसे करके हिंदी में आप करवाना चाहते हैं, इंग्लिश में आप करवाना चाहते हैं, अगर आप कोई और लैंग्वेज में डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं नेम प्लेट की तो वो भी हम कर देते हैं। और ये हमारे पास है विनाइल कटिंग मशीन। ये विनाइल कटिंग मशीन होती है जो कि पेपर पे जो भी आपका डिजाइन होता है उसको एनग्रेव करती है, उसकी कटिंग करती है। ये देखिए, अभी मैंने लड़के ने एक कमांड दे दिया, हमारे ये मशीन रेडी हो चुकी है कट करने के लिए। ये एक दूसरा बन रहा है, ये हम बना रहे हैं पत्थर की नेम प्लेट का। तो ये मैं अभी आपको नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको बाहर की तरफ ले जाता हूँ जहाँ पे हम ऑलरेडी एक विनाइल शीट की कटिंग कर चुके हैं और उसकी मैंने पेस्टिंग भी कर दी है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसका काम रहता है। ये देखिए, ये एक विनाइल शीट है जिसकी मैंने आपको ये लाइनें दिख रही होंगी, कुछ ऐसे करके मशीन इसको कट कर देती है। हम इसको स्टेनलेस स्टील पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये स्टेनलेस स्टील है, बहुत ही बढ़िया 3-0 क्वालिटी और जिंदल कंपनी का हम स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। और ये जो आप जितने भी लेटर देख रहे हैं ना, ये सब लेटर अभी हम निकालेंगे। जब हम निकाल देंगे तब ये कैसे लगेंगे, तब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से ये लेटर दिखने वाले हैं। और इसके बाद जब हम इसको पूरा निकाल देते हैं अच्छे से, जैसे बॉर्डर वगैरह हो गया, सारे वर्ड्स वगैरह हो गए, ये सब कुछ हम अच्छे से निकालने के बाद में इसको हम लेके जाते हैं एचिंग के लिए, इनग्रेविंग के लिए। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हो रही है हमारी एचिंग। अगर मैं आपको लाइट जला के दिखा सकूं तो ये देखिए, ये हम करते हैं लिक्विड एचिंग। इसमें लिक्विड आयरन डाला हुआ है हमने, जो कि थोड़ा सा जो स्टील होता है उसकी जो मेन परत होती है, जो उसकी पॉलिश्ड परत होती है, उसको हटा देता है और आप लोगों को एक खुरदुरा सा एक टेक्सचर देता है जिसमें हम कलरफिल करते हैं। तो चलिए इसको हम कंप्लीट होने देते हैं प्रोसेस को। ये कम से कम 15 से 20 मिनट का प्रोसेस रहता है, इसको लगातार ऐसे हिलाना पड़ता है। थोड़ा बड़ा हमने बेड बनवा रखा है क्योंकि कभी कभार बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट, ऐसी कई सारी प्लेटें हमारे पास आती रहती है तो काम ना रुके, उस वजह से हमने करवा रखा है। और ये हमारे कुछ ऐसे इक्विपमेंट है, अगर मैं आपको स्टील दिखा दिया, देखिए हमारे कुछ रेडी प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे, ये सब हमने रेडी करवा रखे हैं। ये देखिए, दो एयर यहाँ पे भी है कई सारे। ये देखिए, ये हम बनवाते रहते हैं लगातार। और कुछ सैंपल्स वगैरह अगर आपको देखने हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे हाई भेज दीजिए, मैं आपको सैंपल भी शेयर कर दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे भी हमारा माल पड़ा रहता है, ऐसा कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी पड़ा रहता है माल। ये देखिए, यहाँ पे जैसे कलरिंग वगैरह अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, गोल्डन कलर, जैसा भी आपको कलर वगैरह चाहिए तो उसके भी हमारे पास ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे। ये देखिए, मैं आपको दोबारा एक बार ये एचिंग का दिखाता हूँ, अभी भी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, जब ये एचिंग हो जाएगी उसके बाद मैं आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हमारे ये मोहित भाई है। कैसे मोहित भाई, हाय बोलो सबको। हाय। ये देखो, ये मोहित भाई है, ये करते हैं हमारा काम यहाँ पे। और ये काफी अच्छा, पहले जब आए थे तब इनको काम बिल्कुल नहीं आता था, धीरे धीरे इन्होंने काम सीखा है, बहुत बढ़िया काम पकड़ा है इन्होंने। ये देखिए, स्पीड के साथ में सफाई भी है इनके हाथ में और स्पीड भी है भाई के हमारे हाथ में। ऐसे करके इनको पूरा लेटर को निकाल देते हैं, पूरे बॉर्डर वगैरह, मतलब पूरी प्रॉपर डिटेलिंग करके निकालते हैं उसको। फिर जाकर के आपको एक बढ़िया से नेम प्लेट को जब हो जाती है रेडी, तब इसको एचिंग में डालते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अब बात करेंगे एचिंग कंप्लीट होने के बाद
उसमें लगते हैं 10 से 15 मिनट, कभी कभार 20 मिनट भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस थिकनेस का स्टील हमारे पास आ रखा है, उस हिसाब से हम एचिंग को लेते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जब एचिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है। ये देखो दोस्तों, ये हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है इन वाली नेम प्लेटों का, और ये देखिए अब हम इन्हें कुछ इस तरीके से निकाल देते हैं। अगर आपको अपने घर के लिए बनवानी है तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं व्हाट्सएप पे डाल के। डिजाइन वगैरह चाहते हैं तो भी आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। अब इन्हों को हम साफ करेंगे ब्रश से और पानी से। चलिए अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। इन्हों को देखिए अच्छे तरीके से हम साफ कर लेते हैं आगे से पीछे से, इसी तरीके से हम सारी प्लेटों को साफ कर लेंगे। आपको जिस भी साइज की प्लेटें चाहिए, जिस भी डिजाइन की प्लेटें चाहिए, अपने पास गोल्डन स्टील, मिरर फिनिश, मैट फिनिश, सभी तरीके का स्टील हमारी प्लेट एचिंग हो चुकी है। मैं आपको ये प्लेट दिखाता हूँ, ये गोल्डन स्टील पे प्लेट। अभी आपको गोल्डन एरिया नहीं दिखेगा क्योंकि उसको हमने एचिंग से हटा दिया है। एचिंग करने का हमारा वही मोटिव होता है कि हम उसकी ऊपरी परत को हटा दें ताकि उसमें कलर अच्छे से रुक सके। अभी ये देखिए, ये अभी कुछ ऐसी दिख रही है, लेकिन जब ये पूरी तैयार हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा तब ये कैसी दिखने वाली है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे बनते हुए आएंगे। कोई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है विवेक त्यागी जी, उन्होंने की नेम प्लेट बनी है, बहुत ही सुंदर बनेगी ये नेम प्लेट। चलिए बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जब ये नेम प्लेट की बारी आती है तैयार होगी। ये देखो, ये आ गई है हमारी गोल्डन स्टील वाली प्लेट जो मैंने आपको भी पहले दिखाई थी, इसमें भी हम कलर फिल करेंगे। ये पूरी अब कलर से फिल कर दिया, अब इसको सूखने रख देंगे। अब ये सूखेगी, जब ये कंप्लीट सूख जाएगी तब दिखाता हूँ आपको तब ये कैसे निकल के आती है। ये देखो, ये छोटी सी नेम प्लेट है, नेम प्लेट का साइज कोई मैटर नहीं करता है, छोटी से छोटी। ये देखिए, जय माँ बाला सुंदरी, ये किसी ने अपने शायद मंदिर वगैरह के लिए बनवाई है। आप भी अगर ऐसे साइन बोर्ड भी बनवाना चाहते हैं तो वो भी हम बनवाते हैं, मतलब कि आपको जैसे अपने डोर के लिए बनाना है पुल पुश के साइन बोर्ड हो गए, उसके भी मैं आपको सैंपल हो सकेगा तो दिखाऊंगा जरूर। जो भी आप कलर ऑप्शन चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, साइज आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपकी स्क्रीन पे नंबर आ ही रहे होंगे, आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। व्हाट्सएप पे अगर आपको डिजाइन देखना है तो भी आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको पूरा कैटलॉग हम भेज देते हैं अपना। ये देखो बढ़िया है, ये देखो दोस्तों, ये गोल्डन वाली प्लेट है। ये देखो दोस्तों कितनी सुंदर प्लेट निकल के आ रही है गोल्डन वाली। ये देखो दोस्तों, अब इसमें हमने ये मिलाया है मिट्टी का तेल, इसके ऊपर डालते हैं तब जाके जो भी विनाइल की थोड़ी बहुत जो गमिंग रहती है वो हट जाती है। बहुत ही अच्छे से सुंदर से प्लेट सामने आती है। ये कुछ गोल्डन प्लेट है, ऐसे ही अभी हम सारी प्लेटों को साफ करेंगे। यहाँ पे भी प्लेटें हैं, यहाँ पे प्लेटें हैं, ये देखिए यहाँ पे प्लेटें हैं, ये पत्थर की प्लेटें भी हमारी तैयार हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पत्थर की प्लेटों की भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं और स्टील में भी थोड़ी और अच्छे से डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मुझे बताइएगा। ये देखिए, ये मंदिर का एक हमारे पास ऑर्डर आ रखा था आरती वगैरह के लिए, पूरी आरती वगैरह लिखवाई उन्होंने। ये देखिए, ये हनुमान जी की आरती वगैरह का ऑर्डर भी आ रखा है। ये मंदिर के ऑर्डर और नॉर्मल घर के ऑर्डर, काफी सारे ऐसे ऑर्डर आते रहते हैं यहाँ पे। ये देखिए,
नेम प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है विवेक त्यागी जी की, बहुत ही सुंदर लग रही है, बिल्कुल शाइनी नेम प्लेट है। आपको इसमें मेरा कैमरा फेस भी नजर आ रहा होगा, बहुत ही अच्छी लगने वाली है देखने के बाद। अगर आप भी ऐसी और नेम प्लेटें बनवाना चाहते हैं अपने घर के लिए या किसी को आप गिफ्ट करना चाहते हैं या ऑफिस के लिए कोई साइन बोर्ड बनवाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको आरती वगैरह के दिखाए वो आप अगर अपने मंदिर में लगाना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपकी डिस्प्ले में आ रहा होगा, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिए अपने क्वेश्चन, कोई भी वीडियो से रिलेटेड या आप चाहते हैं मैं किसी और भी चीज का डिटेल वीडियो बताऊं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका भी मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर दिखाऊंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए थैंक यू सो मच।